लोग हैं संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, क्योंकि आज रोज किचन आपके लिए लेके आया है एक चटपटा सा चिली एग का रेसिपी। ये एक इंडो चाइनीज कुजीन है, इसे आप नान पराठा या फिर नूडल्स के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर किचन की तरफ और बनाना शुरू करते हैं चटपटा सा चिली एग। बॉइल्ड एग, ऑनियन पेस्ट, एक कच्चा एग, चॉप्ड ग्रीन चिली, चॉप्ड गार्लिक, कैप्सिकम, स्प्रिंग अनियन, गार्लिक लीव्स, कॉर्न फ्लावर, सेजवान चटनी, सोया सॉस, विनेगर, टोमेटो सॉस, सॉल्ट और ऑयल। बॉइल्ड एग को हम लोग ऐसे बीच में से काट लिए हैं। अभी हम लोग ऐसा एक बोल लेंगे और उसमें ले लेंगे कॉर्न फ्लावर 2-3 टेबलस्पून। साथ में देंगे थोड़ा सॉल्ट टू टेस्ट और दे देंगे एक अंडा और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी चाहिए तो आप थोड़ा सा पानी देके भी इसका एक बैटर बना लीजिए। बैटर हम लोगों का रेडी हो गया है तो अभी चलिए एक को फ्राई कर लेते हैं। पहले हम लोग ऐसा एक कढ़ाई लिए हैं और कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गया है तो इसमें अभी दे देंगे ऑयल और इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है तो अभी एक को हम लोग फ्राई कर लेंगे। एक का पीस लेंगे और इसको बैटर में डीप कर लेंगे और इसको ऑयल में फ्राई कर लेंगे। को हम लोग ऐसे फ्राई करके निकाल लिए हैं, अभी उसे ऑयल में दे देंगे ऑनियन पेस्ट। और इसको फ्राई कर लेंगे। ऑनियन फ्राई हो रहा है तो अभी ऑनियन के साथ ही इसमें दे देंगे 1 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक और इसको भी फ्राई कर लेंगे ऑनियन के साथ। और गार्लिक अच्छे से फ्राई हो गया है और आप देख ही सकते हैं इसमें एक गोल्डन सा कलर भी आ गया है तो अभी इसमें हम लोग दे देंगे कैप्सिकम जिसको हम लोगों ने छोटा छोटा क्यूब में काट लिए हैं और इसको भी फ्राई कर लेंगे जब तक ना कैप्सिकम सॉफ्ट हो जाए। कैप्सिकम के साथ साथ इसमें हम लोग दे देंगे चॉप्ड ग्रीन चिली, आप इसको आपके टेस्ट के हिसाब से दीजिएगा। मैं यहाँ पे 1.5 टेबलस्पून यूज कर रही हूँ और इसको फ्राई कर लेंगे। कैप्सिकम भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है तो अभी इसमें हम लोग दे देंगे 1 टेबलस्पून विनेगर, 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 2 टेबलस्पून सेजवान चटनी और साथ ही में दे देंगे 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और देंगे थोड़ा सा सॉल्ट। थोड़ा सा ही दीजिएगा क्योंकि सोया सॉस भी थोड़ा सा सॉल्टी है और साथ में सेजवान चटनी भी थोड़ा सा सॉल्टी है और इसको अभी मिक्स करके इसमें दे देंगे थोड़ा सा पानी। हम लोगों का ग्रेवी लगभग रेडी हो गया है, अब देख ही सकते हैं इसका कितना अच्छा कलर भी आया है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है तो अभी इसमें हम लोग दे देंगे
2 टेबलस्पून गार्लिक क्लिप्स और साथ ही में 2 टू 3 टेबलस्पून स्प्रिंग अनियन और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये आप रोटी पराठा या फिर नूडल के साथ फ्राई कर सकते हैं। ग्रेवी रेडी हो गया है तो अभी इसमें हम लोग दे देंगे फ्राई किया हुआ अंडे को। और देने के बाद इसको ज्यादा कुक नहीं करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा टर्न करके कुक कर लेंगे। आपको अगर ज्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च घोल के भी पानी में डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ये ऐसा ही पसंद है तो मैं इसमें और कुछ नहीं दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, रेडी हो गया है हम लोगों का चिली एग। तो चलिए कर लेते हैं इसका सिंपल सा प्लेटिंग।